डियर स्टूडेंट्स आज हम एन सी आर टी क्लास सेवन चैप्टर थ्री पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है कैसे रूल्स रेगुलेशन बनाती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट थ्री लेवल लोकल स्टेट एंड नेशनल हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है थ्री लेवल पे काम करती है कितने लेवल पे काम करती है थ्री लेवल पे एक लोकल हो गया दूसरा स्टेट और तीसरा नेशनल लेवल पे तो जो लोकल में आप देखोगे अगर गांव में हो विलेज में हो तो विलेज में देखोगे ग्राम पंचायत होता है उसमें प्रधान होता है अगर इस्टेट में तो इस्टेट में हमारा चीफ मिनिस्टर हो गए और नेशनल लेवल पर देखोगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए एंड लुक एट दर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन समिटेल इन दिस चैप्टर बी एग्जामिन दर्क ऑफ गवर्नमेंट ऐट दट लेवल इसमें जितने भी हाईलाइट किया हुआ है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं जिसके नोट्स आपको बनाने हैं और बाकी जो हाईलाइटेड नहीं है वो मैं आपको समझाने के लिए बताता रहूँगा हाउ डज़ दिस टेक अब इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है कैसे काम करता है उनका काम क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है डेमोक्रेसी को मेनटेन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके बारे में हम जानेंगे वट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ लेजि असेंबली तो आपको यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ एम एल एम एल ए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्टिव असेंबली जिसको हम हिंदी में विधायक भी बोलते हैं एंड मिनिस्टर्स हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज आर डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो लोग हैं अपने व्यू को गवर्नमेंट के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं और गवर्नमेंट से कोई काम करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है और किस तरीके से अपना क्वेश्चन रेज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के सामने तो इस के बारे में जानने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेंगे हेल्थ का और उस हेल्थ को एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखेंगे कि कैसे लोग स्टेट गवर्नमेंट से काम लेते हैं और जैसे हेल्थ के बारे में जो जानकारी और जो चीज़ें डिस्कशन होगी वो ऑलमोस्ट सभी टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए सभी टाइम सभी टाइप के सेक्टर्स के लिए ये सब सारी चीज़ें यूज होती है सेम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होता है पीपल एट डिस्ट्रिक्टेडक्वार्ट पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई दिस्ट्रिक हॉस्पिटल अभी एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पतालपुरम का जहां पर हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन वाटर सप्लाई होता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां पे ओवरफ्लोइंग हो रहा है ओवरफ्लोइंग मतलब बहुत ज्यादा पेशेंट हो गए हैं किसके डायरिया के ठीक है तो आपको पता है जब हफ्ते में किसी भी गांव या किसी भी टाउन में अगर हफ्ते में सिर्फ तीन दिन पानी सप्लाई होगा तो उस गांव के लोग बीमार पड़ेंगे ही तो इन मेनी पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप स्ट्रीम क्या होता है जो हमारे पानी का एक तरह से नहर बोल सकते हैं जो नहर निकलती है जिससे पानी नदियों से गांव में उसको सेपरेट सेपरेट दिया जाता है वो स्ट्रीम डाइव है एंड सो हैव टैंक्स उनके पास टैंक्स हैं वाटर टैंक्स हैं छोटे छोटे इन वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस और ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी नहीं आ रहा वहाँ पे बहुत दूर दूर से उन लोगों को पानी कैरी करके लाना पड़ता है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे गांव में चाहे आपके गांव में पानी नहीं है और पानी हफ्ते में दो दिन या तीन दिन आता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है इस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है ठीक है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिए हुए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे पानी की कमी है और यहाँ पे लोग बहुत तेज से बीमार हो रहे हैं ठीक है और ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है लोग बहुत दूर दूर से पानी ला रहे हैं यहाँ पे थर्ड में आप देखोगे तो बच्चा बीमार है वो हॉस्पिटल में है फोर्थ में देखोगे टी वी यहाँ पर लिखा अनदी वी न्यूज़ अभी ये न्यूज़ में ये सब सारी चीज़ें आ रही है कि लोग डायरिया से मर रहे हैं ठीक है और नेक्स्ट में ये लोग माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइज ड्रिंक्स फ्रॉम द इसमें क्या है कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि गर्मी है चाहे कोई गर्मी अगर है तो आपको आइस यूज नहीं करना चाहिए तो ऐसे लेक मतलब बच्चे जो लेक्चर मॉर्निंग में जा रहे हैं तो वो हेल्थ के दृष्टि से इसमें दिखाया हुआ है कि ये सुबह सुबह जा रहे हैं और इनको बोला है कि आइस यूज नहीं करना है यहाँ पे एक देखो एक इस पिक्चर में पुलिस स्टॉप कर रही है द रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली दे हैव गेदर द एम एल एज रेजिडेंस अब यहाँ पे जो ये साइकिल से जा रहे थे लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो रोड ब्लॉक है एम के घर के सामने लोगों ने एक घेरा बना रखा हुआ है एंड वहाँ पे हो क्या रहा है दे सीम मोर एंग्री अबाउट वट ही हैज़ नॉट डन वो लोग बहुत एंग्री हैं क्योंकि जो एम का काम है एम का जो काम गांव में करना था यानी जो पानी नहीं आ रहा था उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एम एल ए की थी और उसने उसको पूरा नहीं किया इसलिए वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे जो इस पिक्चर है यहाँ पे एक अपोजिशन का लीडर है जो वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि एम एल ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और इसके लिए कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए वाट अ लाउड वॉयस ही हैज ये लोग दोनों बात कर रहे हैं कि इनकी बहुत अच्छी वॉयस है और ये दूसरों अपने गाँव के लिए लड़ रहे हैं अभी क्वेश्चन है हु इज एन एम एल एक एम एल ए कौन होता है इन द एबो सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन द पतालपुरम यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर कलेक्टर को आप जानते होंगे मेडिकल अफसर कलेक्टर तो देखिए डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो कलेक्टर होता है मजिस्ट्रेट होता है मेडिकल ऑफिसर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उनको हम मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं बट हैव यू हर्ड ऑफ़ एन एम एल ए लेकिन क्या आप एम एल ए के बारे में सुने हो एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली और क्या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुने हो एम एल ए का फुल फॉर्म हमने बता दिया लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको विधानसभा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली Do you know the MLA of your area? Can you identify which party C or he belongs to? तो आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपको अपने एरिया के एम के बारे में जानना है और एक चीज़ और जाननी है कि वो एम कौन से पार्टी से बिलोंग करता है मतलब कौन से पार्टी से वो है अब क्वेश्चन है वट इज़ हैपनिंग इन पतालपुरम जो पतालपुरम का एग्जाम्पल दिया है उसमें उस पतालपुरम में क्या हो रहा है इतनी इतनी कौन सा एक्शन लेना चाहिए हुआ और वो किसको लेना चाहिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा उससे पहले एम एल ए के बारे में मैं बताता हूं इसको ये इंपॉर्टेंट है द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल यानी एमएलए को कौन इलेक्ट करता है हम करते हैं जब भी इलेक्शन होता है जो चुनाव होता है हम जाते हैं लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं और वोट दे के हम एम बनाते हैं दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली तब जाके वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनते हैं एंड आल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट और उसके बाद गवर्नमेंट बनाते हैं अब वो गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम नीचे डिस्कस करेंगे इन दिस वे वी से दैट एम एल एज रिप्रेजेंट पीपल द एग्जाम्पल बिलो विल्पअ अंडरस्टैंड दिस बेटर अभी हमने चूज किया एम एल ए तो एम एल ए क्या होगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव होंगे एम एल ए को रिप्रजेंटेटिव बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी नियम कानून बनाना है तो पूरे विलेज या पूरे टाउन को विधानसभा में या भी लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाकर नहीं बना सकते तो इसीलिए हमको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करना होता है और उस रिप्रेजेंटेटिव को ही चूज करके हम लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी जो भी प्रॉब्लम है जो भी समस्या है उसको वहाँ पर रेज करता है यानी वहाँ पर डिस्कस करता है डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विथ योर टीचर एंड पब्लिक ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इसको करना है बाद में ध्यान देन देना है यहाँ पे एक मैप है इंडिया का हमारा यहाँ पे इंडिया का मैप है जिसमें एमपी एमपी नहीं सॉरी एचपी यानी हिमाचल प्रदेश को दिखाया हुआ है अब हिमाचल प्रदेश को क्यों दिखाया हुआ है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे लेकिन इससे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तेलंगाना बिकेम द ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट ऑफ इंडिया ऑन सेकेंड जून टू थाउजेंड फोर्टीन आफ्टर द रिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश को रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना को ट्वेंटी नाइन्थ स्टेट बनाया गया था कब टू सेकेंड जून टू थाउजेंड फोर्टीन को बट आज के डेट में हमारे कंट्री में सिर्फ ट्वेंटी एट स्टेट हैं क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं रहा वो क्या हो गया यूटी हो गया यूनियन टेरेटरी हो गया है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी यहाँ पर लिखा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो ग्रीन कलर में कि, कलर किया हुआ है क्यों इसका डिस्कस इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे

और कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र जी आप विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें डिवाइड है ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू सिक्सटी एट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे सिक्सटी एट असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी है यानी हिमाचल प्रदेश में सिक्सटी एट एम एल ए को इलेक्ट किया जाएगा मतलब सिक्सटी एट रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगह से जाएंगे ओके फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल एलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव देन बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने वही बातें बताई कि ईच कॉन्स्टिट्यूशन से एक एम एल ए इलेक्ट होंगे और वो जाएंगे मेंबर ऑफ वो बनेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और वही जो मेंबर बनेंगे वही हमारे क्या होंगे रिप्रेजेंटेटिव और इसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी क्योंकि पीपल का पावर है लोगों ने ही उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है यू वुड द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज दिस एम एल एस देर फोर बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज और ये जो एम एल ए होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से ही होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे जैसे उत्तराखंड पे है वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत है तो ये जो हैं कौन से पार्टी के हैं ये भारतीय जनता पार्टी के है. ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों के अपने अपने गवर्नमेंट है यानी अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं अब वो कैसे चीफ मिनिस्टर बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो एक पिक्चर दिया हुआ है इस पिक्चर में ये दिया हुआ है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 43 सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी को सिक्सटीन मिला हुआ है अदर को थ्री एंड इंडिपेंडेंस को सिक्स टोटल सिक्सटी एट कम्प्लीट हो गया ठीक है तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें आपको दिखाया हुआ है कि कैसे इलेक्शन होता है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्टियां अपने कैंडिडेट खड़ा करती है और वो जब इलेक्शन जीतते हैं तो जो जीतते हैं वो ही एम एल ए कहलाते हैं

एच का हिमाचल प्रदेश का सिक्सटी एट सीट है तो जिसको थर्टी फोर से ज़्यादा मिलेगा यानी हाफ सिक्सटी एट का हाफ कितना होगा थर्टी फोर जिसको भी थर्टी फोर सीट से ज़्यादा मिलेगा उसको बोलते हैं कि वो पार्टी जो है मेजोरिटी में है और उस पार्टी के जिस लीडर को सभी लोग मिल के एलेक्ट करेंगे उस पार्टी के उस लीडर को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और वो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपॉइंट किया जाता है कौन अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट अब मैंने आपको बता दिया कि मेजोरिटी क्या है यानी हम बोलते हैं कि ये पार्टी मेजोरिटी है कभी आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं ये पार्टी मेजोरिटी में है इट मीन्स कि इस पार्टी की ही गवर्नमेंट बनेगी उस पार्टी को वहाँ के जितना भी निर्वाचन क्षेत्र के सीट थे वहाँ पे उसके आधे से ज़्यादा सीट उनको मिल चुकी है यानी वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं यानी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं द पोलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी और जो जिसको मेजोरिटी मिलता है उसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं एंड ऑल अदर मेंबर्स आर द अपोजिशन और इसके अलावा जो भी पार्टी बच गई उसको हम बोलते हैं अपोजिशन यानी विपक्ष जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विपक्ष यानी जो बाकी पार्टियां बच गई और सारी पार्टियां बन जाती है अपोजिशन पार्टी फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है कॉन्स्टिट्यूएंसी ओके हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में टोटल सिक्सटी एट MLA है। टाइम रूलिंग पार्टी में नॉट बी सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टी वर्किंग टूगेदर दिस इज कॉल्ड कोलिजन अभी ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत बार आपने जब भी कभी कभी इलेक्शन होता है तो आप ध्यान से टीवी देखना उस टीवी में कभी कभी ऐसे होता है कि जहां पे किसी भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहती यानी किसी भी पार्टी को आधे से सी ज्यादा सीट नहीं मिलती है तो वो लोग क्या करते हैं कई पार्टियां है मिलती जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली तो वहां पे छोटी छोटी पार्टियां जैसे शिवसेना है कांग्रेस है एनसीपी है वो सारे लोग मिलके गवर्नमेंट फॉर्म किए उस गवर्नमेंट को जो फॉर्म करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोलिजन ओके आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी ऑन द टू थाउजेंड थ्री असेंबली इलेक्शन ये जो सीटें एट सीटें हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट दिखाया जा रहा है शो कर रहा है वो टू थाउजेंड थ्री के इलेक्शन का चार्ट है उसमें दिया हुआ है सिंस द टोटल नंबर ऑफ एम एल ए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज सिक्सटी एट पोलिटिकल पार्टी वुड नीडेड

में चले जाएंगे इन केस भारतीय जनता पार्टी वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एम एल एफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस अमंग कांग्रेसिशन वेयर अदर पार्टीज इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और अभी जितने लोग बच गए वो सारे अपोजिशन में चले जाएंगे यानी उनका कोई भी एम मिनिस्टर नहीं बनेगा बट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा क्वेश्चन रेज करेगा और बहुत सारे इस सुझाव भी दे सकता है आफ्टर द इलेक्शन मान लीजिए अब क्या हुआ हमारा इलेक्शन जो चल रहा था खत्म हो गया द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी बिललेक्ट देयर लीडर अब जितने भी एमएलएस थे वो सारे मिलके अपने लिए रूलिंग पार्टी में से एक लीडर सेलेक्ट करेंगे अपना लीडर बनाएंगे जो जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा इलेक्शन में या बहुत ज्यादा हां उनका इंपैक्ट रहा होगा उस एरिया में तो उसमें से किसी को चूज करते हैं और वही बनता है चीफ मिनिस्टर इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है कि आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल एलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर इन केस द कांग्रेस पार्टी एमएलए चूज और इसमें क्या हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी श्री बिरबद सिंह को एज देयर लीडर एंड बिकम चीफ मिनिस्टर और उनके जितने भी एम थे वीरभद्र को अपने लीडर सिलेक्ट किए और उन्होंने इलेक्शन इट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर तो इसका एकदम सिंपल आंसर है द गवर्नर ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि हमको किस एम को मिनिस्टर बनाना है और कौन से कौन से, से सेक्टर उनको मिनिस्ट्री में देना है चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव हैिटी ऑफ रनिंग वैरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर मिनिस्ट्रीज देव से प्लेस वेयर ऑल एम एल एज रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट एंड ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी वन एज एन एम एल एंडर एज एन मिनिस्टर दिस फर्दर चैप्टर अब इसमें क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर बन गए और, और मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफिस में और बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया अब उनके पास सेपरेट सेपरेट ऑफिस है बट जब कभी भी एक साथ इनकी मीटिंग होती है तो उन सारे मीटिंग्स जो होती है वो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी विधानसभा के अंदर होती है जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर होती है वैसे ही स्टेट लेवल में ये विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं या बहुत सारे डिसीजन होते हैं और इसका अभी नेक्स्ट जो पार्ट है इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसको मैं बाद में आप लोगों के पास शेयर करूंगा थैंक यू वेरी मच